प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि दिल्ली में एक बार फिर अच्छी बारिश हुई है, कई इलाकों में जल भराव हुआ है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो बारिश की शुरुआत थी वो शाम के समय हुई थी, यानी देर दोपहर और शाम को हुई थी, और रात के कम से कम 10 बजे तक ये बारिश की गतिविधियाँ ऑन एंड ऑफ होती रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ रिमझिम जैसी थी, लेकिन फिर भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। खास करके दक्षिणी दिल्ली में जो बारिश थी वो शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा भारी थी, और उसी तरह से अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहीं, और जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र थे इस इलाके में भी अच्छी बारिश थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों को मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। इसी तरह से अगर हम देखें तो पश्चिमी तट पर मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ अपेक्षाकृत कम रहीं, आज बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ी हैं। दक्षिणी गुजरात में भी अच्छी बारिश थी, और जो कोंकण एंड गोवा के बाकी इलाके थे उस इलाके को भी काफ़ी अच्छी बारिश मिली है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिली हैं, और उत्तर प्रदेश के बहराइच और गोरखपुर में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कि मौसम किस तरह से रहने वाला है। आप देखिए, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है, वहाँ से एक तरफ रेखा सिंध तक आ रही है, और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन इलाकों में अभी भी अगले दो दिनों तक, आज और कल, मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है, क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है ये थोड़ा सा नॉर्थ में अब सरकने वाली है। तो इसके नॉर्थ में सरकने के प्रभाव से क्या होगा कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में तो बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी, लेकिन दक्षिणी जिले लगभग शुष्क रहेंगे। मौसम एक ऑलमोस्ट गर्म और शुष्क बना रहेगा, हल्की फुल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज और कल गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि ये जो ह्यूमिडिटी बनी हुई है, नमी है, तो जब सूरज निकलेगा और धूप निकलेगी और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो गरजने वाले बादल बन जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ होंगी। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में आप देख सकते हैं बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भागों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रुक रुक करके बारिश होती रहेगी। अगले 3-4 दिनों तक उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी। बिहार और झारखंड में अपेक्षाकृत बारिश कम रहेगी, लेकिन फिर भी झारखंड में एक लो प्रेशर एरिया जो बनेगा बंगाल की खाड़ी में, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इस इलाके में लो प्रेशर एरिया 23 तारीख को बनेगा। तो झारखंड के जो जिले हैं, धनबाद, पाकुर और जो चाईबासा और जमशेदपुर, इन सारे इलाकों में, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और बाकी इलाकों में बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश जारी है, जो उत्तरी जिले हैं उसमें बहुत अच्छी बारिश है, अभी भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, और जो गंगे पश्चिम बंगाल है इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में खास करके सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ साथ सिक्किम, असम और मेघालय में अच्छी बारिश होगी, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कमी देखी जाए। अगर हम बात करें अब मध्य भारत की, तो मध्य भारत की बात करेंगे तो इसमें आप देखिए कि उड़ीसा में तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, ऑलरेडी हो रही है। ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, अंदर आएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को काफ़ी अच्छी बारिश देगा। छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। इसी तरह जो पूर्वी और मध्य भाग है मध्य प्रदेश के, इस इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी। सीधी, सतना, पाना, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, अनूपपुर, इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी। ऐसे ही होशंगाबाद, ये नरसिंहपुर, बैतूल, देवास, सिवनी, इस इलाके में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। टीकमगढ़ वगैरह में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी, देवास वगैरह में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। और अब धीरे धीरे 23 और 24 तारीख को जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिलेगी। तो यानी काफ़ी दिनों से जो सूखे जैसे हालात थे, लोग काफ़ी परेशान थे, उससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि मूसलाधार बारिश की संभावना अभी भी नहीं। ऐसे ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर है, बहुत कम बारिश हुई है। गंगानगर में हल्की बारिश हुई है, बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं है। 23 और 24 तारीख को ये जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, यानी कि अलवर, सीकर, धौलपुर, भरतपुर से लेकर के सवाईमाधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारन, यहाँ तक आएगा, और अजमेर, जयपुर में भी बारिश होगी। और फिर 23 और 24 तारीख को जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, इन सारे इलाकों को भी बारिश मिल सकती है।
कितनी बारिश मिलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो शुष्क मौसम है उससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। और उसी तरह से 23 और 24 तारीख को ही हमें दिखाई दे रहा है या 25 तारीख तक जो गुजरात के उत्तरी जिले हैं उस इलाके में भी बारिश की गतियाँ बढ़ेंगी। हालांकि पूर्वी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी, यानी आप कह सकते हैं कि पंचमहल, डेंग, बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, इन सारे इलाकों को ज़्यादा तेज़ बारिश मिलेगी। सूरत, वलसाड़ को भी अच्छी बारिश मिलेगी, लेकिन बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, जो शुष्क मौसम है उससे निजात मिल जाएगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियां हैं एक बार फिर जोर पकड़ी हैं, खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश शुरू होने वाली है। कोंकण एंड गोवा में भी बारिश अच्छी होगी। आज और कल मुंबई में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मूसलाधार बारिश लगातार नहीं होगी, लेकिन रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, उसके बाद इसमें कमी आएगी। मध्य महाराष्ट्र के जो घाट वाले इलाके हैं उस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र को बारिश अभी अगले 2 या 3 दिनों तक मिलेगी, उसके बाद इसमें बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में। अभी फिलहाल जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, इन सारे इलाकों में भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रह सकती है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक तो बारिश ज़्यादा रहेगी, यानी अच्छी बारिश रहेगी, उसके बाद बारिश में कमी आ जाएगी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 24 घंटों के दौरान या 48 घंटों के दौरान अच्छी बारिश रहेगी, उसके बाद पूरे साउथ पेनिनसुला में, खास करके इंटीरियर साउथ पेनिनसुला में, यानी इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु, इस सारे इलाकों में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, बहुत हल्की बारिश होगी। तब तेलंगाना में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। ये जो टर्फ रेखा आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से कर्नाटका की तट तक है, तो कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट एक दो अच्छा स्पेल होगा। केरल में बारिश की गतिविधियाँ कम बनी रहेंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और लक्षद्वीप का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के मानसून अगले 1 सप्ताह के दौरान, हमें उम्मीद है 2 दिनों के बाद, जो साउथ पेनिनसुला है उसमें कमजोर हो जाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में मानसून की गतिविधियाँ अच्छी ही बनी रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।